जस्टिस यूयू ललित ने देश के नए मुख्य न्यायाधीश माने सीजेआई के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पूर्व सीजेआई एनवी रमना ने जस्टिस यूयू ललित के नाम की अनुशंसा की थी। सीजेआई रमना का कार्यकाल 26 अगस्त को समाप्त हुआ। कानून मंत्रालय ने सीजेआई एनवी रमना से अपने उत्तराधिकारी के नाम की अनुशंसा करने का आग्रह किया था, जिसके बाद रमना ने यूयू ललित का नाम आगे किया था। जस्टिस यूयू ललित सीजेआई के पद पर 3 महीने से भी कम समय के लिए होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। इसी साल 8 नवंबर को जस्टिस यूयू ललित 65 साल के हो जाएंगे, यानी कि उसी दिन वे रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस उदय उमेश ललित मुंबई से वास्ता रखते हैं। उनका जन्म 9 नवंबर 1957 को हुआ था। वो वकीलों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता जस्टिस यूआर ललित क्रिमिनल लॉयर थे। बाद में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया था। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जस्टिस यूयू ललित पहले वकील और फिर जज बने। जस्टिस यूयू ललित ने अपनी कानूनी करियर की शुरुआत की थी साल 1983 में। 1985 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में काम किया। बाद में वो देश की राजधानी दिल्ली चले आए। साल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया था। फिर साल 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। इस बीच उन्होंने सीबीआई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका भी निभाई थी। एक वकील के तौर पर जस्टिस यू ललित ने कई बड़े मामलों में पैरवी की थी। ब्लैक वर्क और चिनकारा शिकार मामले में वो एक्टर सलमान खान के वकील थे। वहीं थल सेना अध्यक्ष की उम्र के विवाद में उन्होंने जनरल वी के सिंह की पैरवी की थी। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता विनायक सेन के देशद्रोह के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के वकील के तौर पर जस्टिस यूयू ललित ने सेन की जमानत का विरोध किया था। वहीं हसन अली खान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी वो वकील थे। 2G स्पेक्ट्रम मामले में भी वो सरकारी वकील थे। एक वकील के तौर पर जस्टिस यूयू ललित ने साल 1994 में बाबरी मस्जिद से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह की पैरवी की थी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद के मामले में सुनवाई हो रही थी, तो इसी आधार पर जस्टिस यूयू ललित ने खुद को इस सुनवाई के लिए गठित की गई बेंच से अलग कर लिया था। दरअसल अयोध्या भूमि विवाद मामले में वक्फ बोर्ड की तरफ से बताया गया था कि जस्टिस यूयू ललित बाबरी मस्जिद से जुड़े मामले में एक वकील रह चुके हैं। इसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने कहा था कि वो इस मामले की सुनवाई से हटना चाहते हैं। उनके इस फैसले का बेंच में शामिल तत्कालीन सीजेआई समेत दूसरे जस्टिसेस ने भी समर्थन किया था। जस्टिस यूयू ललित उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। वो उस बेंच में भी बैठे जिसने SC ST केस में जांच से पहले FIR ना दर्ज करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को लेकर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। बाद में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए इस फैसले को पलट दिया था। एक और फैसले को लेकर जस्टिस यूयू ललित चर्चा में रहे। वो उस बेंच का हिस्सा भी रहे जिसने महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में बनाई गई IPC की धारा 498 के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला दिया था। यही नहीं, जस्टिस ललित उस बेंच में भी शामिल थे जिसने हिंदू मैरिज एक्ट पर आदेश दिया था कि अगर रजामंदी से तलाक के केस में समझौते की गुंजाइश ना हो तो 6 महीने का वेटिंग पीरियड खत्म हो सकता है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़े एक फैसले में भी जस्टिस यूयू ललित ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाया था कि इस मंदिर के प्रबंधन का अधिकार पूर्ववर्ती त्रावणकोर राज परिवार के पास है। पॉक्सो एक्ट के तहत स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को भी जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने पलटा था। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि केवल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को ही यौन शोषण माना जाएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन शोषण की मंशा से किया गया कोई भी एक्ट इस अपराध की श्रेणी में ही आएगा। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी मुरारी ने। कैमरा के पीछे हैं विजय, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए दिल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।